हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 8th नंबर का क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं, जो कि आपके सामने दिया है। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इजिकल्स टू में 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है, ये LHS है, ये RHS है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को प्रूफ करना है कि LHS इक्वल्स टू में RHS। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, हमेशा की तरह LHS लेंगे और जो हम उसको सॉल्व करते जाएंगे और अंत में जी निकल के आ जाएगा, है ना। ये तो एक तरीका हो गया, और दूसरा तरीका होगा वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आपको आने वाली वीडियो में नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं जरूर बताऊंगा उस तरीके को भी जो दोनों तरीके से करते, मतलब LHS भी लेके चलेगा और RHS भी। दोस्तों दोनों आना चाहिए, है ना। चलो स्टार्टिंग करते हैं वीडियो की, लेकिन उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मित्तल, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SS सरस्वती 10 क्लासेस में। सो चलिए सॉल्यूशन दिया गया। मैंने ने ले लिया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, अब सीधे सीधे कहाँ पर एक फॉर्मूला रख दीजिए। फॉर्मूला यानी कि आप समझते हैं ना मैं कौन सा फॉर्मूला कह रहा हूँ। चलो मैं आपको लिख देता हूँ, क्लियर। जैसे कि ये मैंने लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसका सुमे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्लियर। चलो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू। यहाँ पे ए कौन हो गया साइन और बी कौन हो गया कॉसेक, और इस कंडीशन में ए कौन हो गया कॉस, बी कौन हो गया सेक। तो पहले इसको खोलेंगे फिर इसको खोलेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर खोलते हैं। साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए डॉट कॉसेक ए, इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट प्लस का निशान लगाएंगे जैसे यहाँ दिया गया है, अब इसको निकालेंगे तो ए जे है और बी जे है, इसलिए कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए डॉट सेक ए। दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने आपके यहाँ सामने यह फॉर्मूले खोल दिए हैं, अब मुझे क्या करना है दोस्तों, अब कुछ नहीं, अब एक काम कर लेते हैं, इसे एक तरीके से रीअरेंज कर लेते हैं, मतलब जो जो यहाँ पर इधर उधर होंगे उसको पहले एक तरफ कर देते हैं। हम यहाँ साइन ए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साइड कर दें। देखिए जो मैं स्टेप बताऊंगा आप फॉलो करते जाएंगे, आपको सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इधर लाने के लिए हम करेंगे, क्लियर। अब उसके बाद क्या करें, प्लस टू साइन ए डॉट कॉस ए, टू साइन ए डॉट कॉसेक ए, ठीक है, प्लस टू कॉस ए डॉट सेक ए। इसको और इसको हमने एक तरफ कर दिया, अब ये दोनों बचे इनको लास्ट में कर देते हैं, क्लियर। कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं दोस्तों, आपको शायद से याद ही होगा कि कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, क्लियर। तो कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई करेंगे वो मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ बारी से, ठीक है। पहला तो देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसमें क्या होता है, वन एक फॉर्मूला जे अप्लाई होगा जे इसकी जगह पर, ठीक है। एंड कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला दोस्तों आप में से कोई बता सकता है क्या होगा, चलो मैं ही बता देता हूँ। कॉसेक स्क्वायर ए का होता है वन प्लस के कॉट स्क्वायर ए कॉमा, जो कि इसका अब सेक स्क्वायर ले लेते हैं,
sec square a is equal to 1 plus k tan square a. क्लियर? आई समझना दोस्तों, हमें क्या क्या करना है, cos की जगह 1 plus k cot square a आ जाएगा एंड sec की जगह पर हमारा कौन सा आ जाएगा 1 plus k tan square a. क्लियर? चलिए अब इसके बाद क्या है कि अब यहाँ पर देखिए sin a और cos a है, तो यहाँ पे दोस्तों शायद आपको याद होगा कि cos a का भी फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन ए होता है ना, जो यहाँ अप्लाई होगा यहाँ पे sec का भी होता है, sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a. तो ये सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पर हमें पुट करने हैं. तो चलो नाउ वंस अगेन, यानी कि फिर से हम नाउ करेंगे, ठीक है. तो देखिए चूंकि इसका फॉर्मूला अप्लाई करो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो इस जगह पर आप क्या करें, इस जगह पर रख दीजिए 1. याद रहे जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, चीज समझाने के लिए लगा रहा हूँ, आप लोग नहीं लगाएंगे, पहले ही बात को बता देता हूँ, आप लोग खुद सिंपल तरीके से करते जाना है ऐसे ही बिना अंडरलाइन लगाए. अब देखो ये हमने रख दिया, अब देखो 2 साइन ए डॉट कॉस ए के होता है, तो 2 साइन ए डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कॉस ए के का क्या है 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, प्लस 2 cos a मल्टीप्लाई 1 अपॉन cos a, sec a का क्या होता है 1 अपॉन cos a हमने रख दिया, ठीक है, प्लस अब cos a स्क्वायर a क्या होता है, cos a स्क्वायर a 1 प्लस के cot स्क्वायर a, ब्रैकेट में 1 प्लस के cot स्क्वायर a. चलो आगे बढ़ेंगे, प्लस का sec स्क्वायर a 0, 1 प्लस के tan स्क्वायर a, 1 प्लस के tan स्क्वायर a. क्लियर? चलिए साइन ए से साइन ए कैंसल, कॉस ए कैंसल, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो भी आना है, लिख दीजिए, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आना है, 2 ही आना है, लिख दीजिए. यहाँ देखिए 1 प्लस के कॉट स्क्वायर है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया, प्लस यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. देखो दोस्तों यहाँ पे 7 प्लस कॉट टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है चाहिए हमें, तो यहाँ देखिए 10 और कॉट स्क्वायर तो आ गया, 10 स्क्वायर आ गया, कॉट स्क्वायर आ गया, अब 7 चाहिए, तो देखो इन सभी नंबरों को टोटल कर दीजिए, 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो यानी 7 प्लस टेन स्क्वायर ए, रीअरेंज करते हुए लिख रहा हूँ, प्लस कॉट स्क्वायर ए. तो इस तरीके दोस्तों ये मैंने आपका आरएचएस निकाल दिया है, तो लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड. दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो यार प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स करके हमें बताइए अपना एक्सपीरियंस, देन उसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बाद एक ऑप्शन आएगा बेल आइकन का, और वो पहला आइकन का जैसे ही आप क्लिक करेंगे बटन पे, तो जब भी हमारी नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो होगी वो मिलेगी सबसे पहले आपको, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिस ना करें उसके लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा तरीका भी बताने वाला हूँ ये इस सवालों को प्रूव करने का, तो वो अगर मिस नहीं करना चाहते तो अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा. सो चलिए मैं, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी. तो चलिए आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 9th नंबर का क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन दिया है cos a माइनस के साइन a ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई, यानी डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, sec a माइनस के cos a ब्रैकेट 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन tan a प्लस cot a. दोस्तों इसमें क्या करना है, LHS इसको तुम्हें RHS प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक और बात याद दिला दूं, मैंने इससे पिछली वीडियो में पहले ही आपको अनाउंस कर दिया था कि इसे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये पहले ही बता दूंगा कि ये इस सवाल को मतलब LHS इसको तुम्हें RHS प्रूव करना रहता है ना, उसको करने का दूसरा तरीका भी होता है, दूसरा, तो वो कैसे करते हैं वो मैं जरूर बताने वाला था, तो चलिए वो दूसरा तरीका आज मैं यहाँ बताऊँगा जिससे आप लोगों को दोनों तरीके याद रहें, क्लियर. चलिए तो हम स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मित्तल, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसे सरस्वती 10th क्लासेस में.
चलिए सॉल्यूशन दिया गया है, LHS हमने ले लिया है, cosec a माइनस के साइन a ब्रैकेट वन, sec a माइनस के cos a ब्रैकेट वन। हम क्या करते हैं, हमें tan में चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर इसको cosec को चेंज कर दो। दोस्तों cosec का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, वन अपॉन साइन a माइनस साइन a, या sec का भी चेंज करो, वन अपॉन cos a माइनस cos a। एलसीएम ले लो दोनों का, तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो साइन ए आएगा, है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो वन मानो, साइन ए का डिवाइड साइन ए से करोगे वन, वन का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो वन आएगा, माइनस वन का डिवाइड साइन ए से करोगे तो साइन ए आएगा, साइन ए का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा। क्लियर आ गया समझ में, चलो नेक्स्ट डॉट लगाओ, यहाँ पे भी एलसीएम लिया तो कॉस ए आएगा, एलसीएम कुछ नहीं है तो यहाँ वन माना जाएगा, कॉस ए का डिवाइड कॉस ए से करो वन आएगा, वन का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो वन आ जाएगा, माइनस वन का डिवाइड कॉस ए से करोगे तो कॉस ए आएगा, कॉस ए का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ब्रैकेट में। क्लियर, अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको शायद याद होगा कि फॉर्मूला होता है वन वन माइनस के साइन स्क्वायर ए इजिकल्स टू में होता है कॉस स्क्वायर ए, और वन माइनस के कॉस स्क्वायर ए इजिकल्स टू में होता है साइन स्क्वायर ए। क्लियर होता है ना, चलो अब जैसे जो हो गया, अब इतना होने के बाद इसको आप इसकी जगह रख देते हैं, इसकी जगह इसको रख देंगे, ठीक है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर रख देंगे, नाउ तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर ए डॉट वन माइनस की कॉस स्क्वायर ए है दोस्तों, तो क्या करना है अपन को, इसकी जगह उसको रख देंगे, है ना, चलिए फटाफट से बिना देरी करे रख दीजिए, रख दिया। अब उसके बाद देखो इसकी जगह पर इसको रख दिए, इसकी जगह पर इसको रख दिए, क्लियर, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि मैंने पहले इसको को रख दिया, आप लोग सोच रहे होंगे, मैं जानता हूँ, तो देखो मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्ट कर दिया है, क्लियर, ब्रैकेट नीचे। अब इतना रखने के बाद अब क्या करो, नीचे साइन ए कॉस ए भी है, साइन ए डॉट कॉस ए, फर्क यह है कि ऊपर साइन स्क्वायर ए है, नीचे साइन ए, कॉस स्क्वायर ए है, नीचे कॉस ए है, क्लियर, इतना तो आपको समझ में आ रहा है, तो इसमें से एक साइन ए गया और इसमें से एक कॉस ए गया, तो ऊपर क्या बचेगा आपको, साइन ए डॉट कॉस ए बचेगा, बचेगा कि नहीं। अब दोस्तों क्या करना है, इतना हो गया, अब आप सोच रहे होगे सर आपने तो वैसे ही तरीके से बताया, नहीं, अब देखो इसके आगे अपन सॉल्यूशन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अपन को टेन ए प्लस कॉट ए चाहिए था, आ तो रहा नहीं है, हालांकि देखा जाए अब भी अपन ला सकते हैं, मना नहीं है, आप भी ला सकते हैं, लेकिन ट्रिक अलग होती है, तो चलिए अब दूसरी ट्रिक में जो बता रहा हूँ उसकी प्रोसेस बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं LHS लिया था, अब मैं RHS ले लेता हूँ, क्लियर, अब मैं RHS लूंगा दोबारा, RHS क्या है हमारा, वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, ये हमारा क्या RHS है, बिल्कुल है। आप यहाँ देखिए टेन और कॉट को बदल दीजिए, तो दोस्तों शायद आप जानते ही होंगे टेन का अपना होता है साइन अपॉन कॉस, तो रख दीजिए, और कॉट का होता है कॉस अपॉन साइन, रख दीजिए, ठीक है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद साइन और कॉस ऊपर जाएंगे, तो क्यों नहीं, क्यों जाएंगे मैं ये भी बताता हूँ, देखो पहले एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, तो साइन और कॉस आ जाएगा, ठीक है, इतना हो गया, ये साइन है ये कॉस है, ये थोड़ा अलग बन गया, कॉस का डिवाइड इस साइन है कॉस ए में करोगे तो साइन साइन बचेगा, क्योंकि कॉस तोड़ जाएगा ना, साइन बचेगा, साइन का मल्टीप्लाई आप ऊपर यहाँ कर दो तो साइन स्क्वायर ही हो जाएगा, साइन स्क्वायर ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ प्लस का निशान है लगा दीजिए, साइन का डिवाइड इसमें करोगे तो साइन साइन का डिवाइड कॉस बचेगा, कॉस का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो
कॉस स्क्वायरिंग एलसीएम लेना तो आता है ना दोस्तों, वो ही कर रहा हूँ। केवल इतने भाग का ऊपर बन से कुछ मतलब नहीं रखा। अब देखो जी, देखो ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए अपॉन बी इसका उसमें सी अपॉन ए होता है कि नहीं। इसलिए यहाँ पर बन अपन ये बन दिख रहा है बन, इसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर तक, कर देंगे तो जगह चेंज कर देंगे। कैसे जगह चेंज करनी है देखो मैं बताता हूँ अभी कैसे करनी है अपन लोगों को, है ना। चलो कर देते हैं। देखिए जैसे कि हमने क्या करा, यहाँ पर जैसे कि जी आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस की कोस स्क्वायर ए। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे इन दोनों संख्या को, हम क्या करेंगे इन दोनों की जगह बदलेंगे। जैसे कि अगर आप इन दोनों की जगह कैसे बदलोगे, इन दोनों को पलटा दोगे, और पलटोगे तो एक कंडीशन पे होता है, अगर आप इसे पलटोगे तो ये डिवाइड से हल्के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसलिए इसको पलट दो इन दोनों के बदल, ठीक है। जैसे इन दोनों को पलटोगे ना तो क्या होगा, जो ऊपर पहुंच जाएगा और जो नीचे हो जाएगा वापस, तो ये लेकिन आएगा कहाँ, यहाँ मल्टीप्लाई में लग जाएगा। तो इस तरीके से वन मल्टीप्लाई साइन ए डॉट कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर क्लियर दोस्तों। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर वन तो मल्टीप्लाई में वो तो वैसे ही हट जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजिकल्स टू में वन, होता है नहीं होता है। इसकी जगह पर हमने इसको रख दिया, तो साइन ए डॉट कॉस ए, ठीक है, साइन ए डॉट कॉस ए अपॉन वन बचा, तो इजिकल्स टू में क्या आ गया अपना, साइन ए डॉट कॉस ए। इसका मतलब जी हुआ साइन ए डॉट कॉस ए इजिकल्स टू साइन ए डॉट कॉस ए एल एच एस इजिकल्स टू में आर एच एस हैंस प्रूव, यानी कि एच पी। यहाँ पर दोस्तों एच पी है ना किसी कंप्यूटर का नाम नहीं बता रहा हूँ, हैंस प्रूव्ड है, यानी कि हैंस मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ एच पी। तो ये जिम्मत समझ लेना कि कोई कंप्यूटर का नाम बता दिया, कि मैथ में कंप्यूटर कहाँ से आ गया, है ना। तो देखो साइन ए डॉट कॉस ए एल एच एस में आ गया, साइन ए डॉट कॉस ए आर एच एस में भी आ गया। तो इस तरीके से यह सॉल्व होता है। तो दोस्तों आई होप आपको पसंद आया होगा, है ना दोस्तों। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।